पांच अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि दो अभियुक्ता हैं महिलाएं और तीन पुरुष हैं इसमें। इनके द्वारा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की, गांजे की, शराब की तस्करी की जा रही थी, बिक्री की जा रही थी। इनके पास से 1.5 लाख के ऊपर कैश बरामद हुआ है और नशीले पदार्थ इनसे बरामद हुए हैं। इनका जो आपराधिक इतिहास है, 2015 से लेकर के अब तक कई मुकदमे इन पर दर्ज हैं, जिसके कारण आगे इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। और कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके द्वारा इनको नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी और आगे इनके द्वारा जिनको रूटीन में बिक्री की जा रही थी, उनको भी इसमें विवेचना में सम्मिलित करते हुए और जो इनके संरक्षणदाता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, नशीले पदार्थ कहाँ से लाए जाते हैं? ये इसमें अभी जो नाम सामने आए हैं, जैसे कि अभी पिछले कुछ समय पहले करीबन 100 किलो के करीब गांजा पुलिस के द्वारा सेक्टर 20 द्वारा बरामद किया गया था। उसी गैंग से जुड़े हुए कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके द्वारा नशीले पदार्थों की सप्लाई यहाँ पे की जा रही थी। पूरे गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, NCR क्षेत्र में ये सप्लाई इनके द्वारा की जा रही थी। अभी बाकी इनको रिमांड पे लेकर के पूछताछ आगे